गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है देखने में। तो होप आप लोग को ये वाला मेकअप लुक पसंद आए, और मैंने फुल स्टेप बाय स्टेप बताया है कि मैंने कैसे ये वाला मेकअप लुक क्रिएट किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये वाला मेकअप लुक कैसा लगा। तो चलिए देख लेते हैं मेकअप। ओके सो गाइज, सबसे पहले इस मेकअप को करने के लिए मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया था, अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने अपने फेस की टोनिंग की थी, टोनर लगाया था मैंने एल्फ गुडनेस का ग्रीन टी टोनर। ओके, एंड उसके बाद मैं कर रही हूँ, जैसे ही टोनर मेरे स्किन पे एब्जॉर्ब हो गया तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ, जो कि निविया का लाइट सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र है, अफोर्डेबल कैटेगरी का है। मैंने पर्पल से परचेज़ किया था, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी आप लोग को मिल जाएगा, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हो। ओके, अच्छा सा है। तो मैंने अपने पूरे फेस को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ किया और मसाज करते हुए, ताकि मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। एंड उसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पर प्राइमर। तो गाइज़, यहाँ पर NYBA का प्राइमर जो कि मैंने पर्पल से परचेज़ किया था जब सेल लगी थी वहाँ पे तब, और वैसे भी अफोर्डेबल कैटेगरी का है ये प्राइमर। ओके, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और हमारे पोर्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से फिल कर देता है। हम लोग जो भी मेकअप करते हैं वो बिल्कुल फ्लॉलेस निखर के आता है। ओके, एंड हमारे स्किन के अंदर फाउंडेशन एंड मेकअप का जो भी रेसिक्यू होता है वो सब अंदर नहीं जाता, जिसके कारण हमारी स्किन पे कुछ भी जो भी हार्म होना होता है मेकअप से, उससे काफ़ी हद तक हमें प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो गाइज, यहाँ पे मैंने NYBA का प्राइमर लगा लिया। उसके बाद अगेन मैं NYBA का ही CC क्रीम लगा रही हूँ, अच्छा CC क्रीम है, जल्दी इसका रिव्यू शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। एंड या अगर आप लोग किसी और चीज़ के रिव्यू में इंटरेस्टेड हो प्लीज़ कमेंट आउट कीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड यहाँ पे मैं इसको डॉट डॉट करके पूरे फेस पे एंड नेक पे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसको अपने हैंड की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लिया हुआ था। वैसे मेरे पास टूल्स वगैरह हैं लाइक ब्लेंडिंग ब्रश एंड जो भी स्पॉन्ज वगैरह होता है, बट पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि चलो हैंड से ही ब्लेंड कर लेते हैं, और इजीली ब्लेंड हो रहा था तो मैंने ब्लेंड कर लिया था। मक्खन की तरह था, बिल्कुल इजीली अच्छे से ब्लेंड हो गया। तो आप लोग देख सकते हो मैंने पूरे फेस को नेक को अच्छे से कवर करते हुए ब्लेंडिंग की थी, और अच्छा सा कवरेज इसने मुझे दे दिया था। ओके, तो अभी मैं थोड़ा सा और इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी लूँगी, बिकॉज मेरे माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन है। वैसे तो मैंने कंसीलर अप्लाई किया हुआ था, बट मैंने थोड़ा सा और CC क्रीम दिया हुआ था, और ये SPF के साथ आता है तो ये अच्छी बात है, अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हो तो इसको यूज़ करके जा सकते हो। ओके, तो गाइज़ मैंने यहाँ पर आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा और CC क्रीम यहाँ पर मैं ले रही हूँ, और इसको फिर से मैंने डॉट डॉट किया था जहाँ भी मुझे कम लग रहा था। उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग स्टार्ट की थी। ओके, और फिर से मैंने ब्लेंड किया, एंड ब्लेंड करने के बाद मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैं अपनी मम्मी से बात रही थी, साइड में वो बैठी हुई थी इसलिए आपको इस तरह से दिख रहा होगा। एंड आप लोग देख सकते हो मैंने अच्छे तरीके से पूरे फेस पे ब्लेंडिंग कर लिया हुआ था, और मैं आईना मांग रही थी क्योंकि मैं भूल गई थी। सो उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था, और कैमरा को ही मैं एज अ मिरर यूज़ कर रही थी, तो मैंने आईना उनसे मांगा कि दे दो भाई मुझे। तो इस तरह से मैंने अच्छे तरीके से पूरे फेस पर ब्लेंड कर लिया हुआ था। सुपर CC क्रीम है, मतलब कि आपको पसंद आएगा, अगर आप यूज़ करोगे तो बस पसंद आएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है टोटली, आप क्या यूज़ करना चाहते हो क्या नहीं, आपकी स्किन को क्या सूट करता है क्या नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है, मेरा जो काम है वो मैं बोल रही हूँ। ओके, सो गाइज़ यहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जो कि NYBA का ही, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैंने पर्पल से परचेज़ किया था और अफोर्डेबल कैटेगरी का है, बिल्कुल मिल्की वाइट शेड मैंने इसमें लिया हुआ था। वैसे तो मेरी स्किन से काफ़ी ज़्यादा वाइट ये होता है, बट जब ये धीरे धीरे ब्लेंड होता है तो एक बहुत ही अच्छा सा बेस मुझे दे देता है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। इसको मैंने पहली बार यूज़ किया था तो मेरी स्किन पे थोड़ा सा इरिटेशन हुआ था, बट एक से दो बार में ये नॉर्मल हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बस थोड़ा सा इरिटेशन मुझे लग रहा था इसलिए मैं इसे कम यूज़ करती थी, बट अब ये बिल्कुल मेरी स्किन को सूट करने लगा है। बिकॉज़ पहली बार हम किसी अलग चीज़ को यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा हमारी स्किन को, समझ रहे हो आप लोग, तो बस वही बात थी। खैर, मैंने यहाँ पे कंसीलर कर लिया है, लिक्विड कंसीलर है ये, और बहुत ही अच्छा है, इजीली ब्लेंड होता है। मैंने अपने माउथ का राउंड लगाया जहाँ पे मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, जहाँ मुझे हाईलाइट करना था वहाँ पे मैंने लगाया, एंड मैंने अपने आइज़ का राउंड लगाया जहाँ पे थोड़े बहुत डार्क स्किन दिखता है लाइक डार्क सर्कल्स वगैरह, बिकॉज वहाँ पे मेरी हर किसी की स्किन थोड़ी सी पतली होती है, और हम लोग आई मेकअप करते तो उसके बाद जो अंडर आई एरिया है थोड़ा सा ब्लैक दिखता है, इसलिए वहाँ पे कंसीलर की ज़रूरत होती है गाइस। ओके, तो आप लोग देख सकते हो मैंने कंसील किया अपने पूरे आइज़ एरिया को, एंड अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड करूँगा। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल वाइट दिख रहा है, और इसी ब्लेंडिंग ब्रश को मैं अपने पूरे फेस पर भी एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि एक अच्छा सा कवरेज मुझे मिल जाए। ओके,
ओके। वैसे तो ये वाइट वाइट लग रहा है, बट थोड़ी देर में लाइक जब ये मेरे स्किन में एब्जॉर्ब होगा एंड मैं इसको कॉम्पैक्ट से सेट करूँगी तो बहुत ही ब्यूटीफुल बेस मुझे मिलेगा। ओके, जैसा आप लोग देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है, मेरी स्किन में मिल चुका है। उसके बाद गाइज मैंने एक साइड का मेकअप अपना डन कर लिया हुआ था, बिकॉज मैं अगर दोनों साइड का मेकअप आप लोग के सामने करूँगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैंने एक साइड का मेकअप कर लिया था, एक साइड के आप लोग के सामने करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गाइज आई मेकअप से। तो मैंने सबसे पहले अपने क्रीज को बिल्डअप किया जो कि पिंक कलर से किया हुआ है। वैसे मुझे पिंक कलर चाहिए नहीं था, दो तीन शेड मिला के समझ सकते हो यार, कलर्स के साथ प्ले करते हैं हम लोग, मज़ा आता है। तो प्लीज़ कोई अगर मेकअप में इंटरेस्टेड हो तो मैं इसी तरह की वीडियोस हमेशा लाती रहती हूँ, और इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके विथ बेल आइकन, एंड वीडियो पसंद आएगी लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नया है हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नीचे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी। ओके, एंड मेरी अनदर वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं पिंक कलर से अपने क्रीज को बिल्डअप कर रही हूँ। उसके बाद गाइस एडीएस कलर का मेरा पैलेट था जिससे मैंने अपने क्रीज को बिल्डअप किया पिंक कलर का, एंड हाफ का आई शेडो पैलेट था ग्लिटरी वाला जिससे मैंने रेड कलर पिक किया है, एंड अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर पे मैं उसको अच्छे तरीके से लगा रही हूँ, एंड उसी रेड कलर को मैं जो पिंक सा मैंने क्रीज को बिल्डअप किया है ना उस पे मैं अगेन उस रेड कलर को ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पिंक कलर तो चाहिए नहीं, मुझे एक अलग सा कलर चाहिए था जैसा उस आईज़ में आप लोग देख रहे हो, तो मैं इसीलिए कर रही थी। वैसे आज पता नहीं क्यों बार बार थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट क्वांटिटी मेरे आईज़ में लग जा रहा था, तो अभी थोड़ा ज़्यादा लग गया था, तो मैंने एक दूसरे ब्रश से उसको अच्छे से ब्लेंड करते हुए, आप लोग देख सकते हो ये एक मेरा दूसरा ब्रश है जिससे मैंने इसको ब्लेंड किया, जिसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है, साफ़ है बिल्कुल वो, तो उससे मैंने थोड़ा सा इसको मिलाने की कोशिश की, लाइक थोड़ा सा रिमूव करने की, बिकॉज मैंने बहुत ब्लेंड किया फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा है। ओके, सो मैंने थोड़ा सा उसको हटाया, एंड रेड कलर से मैं आउटर कॉर्नर एंड जो भी मैंने पिंक सा शेड लिया था उस पर मैं अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग कर रही हूँ, जैसा कि आप लोग मेरी वीडियोस में देख पा रहे होंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसी तरह से ब्लेंड करूँ। मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आई मेकअप कर रहे हो, चाहे वो बेस मेकअप कर रहे हो, चाहे कुछ भी आप मेकअप कर रहे हो, अगर ब्लेंडिंग अच्छा करते हो तो आपका मेकअप काफ़ी फ्लॉलेस एंड नेचुरल दिखता है। ओके, सो गाइज यहाँ पर डन हो चुका था। उसके बाद आप लोग देख सकते हो मैंने पूरी अपने आईलिड पे एक शिमर सी आई शेडो पैलेट लिया है जो कि ग्लिटरी आई शेडो है एंड बिल्कुल शिमरी सा है, तो इसको मैंने पूरे अपने आईलिड पे अप्लाई किया हुआ है, एंड उसके बाद मैं ब्लेंडिंग स्टार्ट करूँगा। ओके, आप लोग देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ये अच्छा लगने लगा है, लाइक कलर मिलने लगे हैं आपस में, और जब कलर्स आपस में प्ले करते हैं हम लोग मिल जाते हैं उसके बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है देखने में, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो गाइज मैंने इसको थोड़ा सा और रिमूव किया था, एंड ये जो शिमरी सा आई शेडो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हो ग्लिटरी सा है, मैंने अपने पूरे आईलिड पे इसको अप्लाई किया हुआ है, देन मैंने ब्लेंडिंग स्टार्ट की। ओके, क्योंकि आपस में तीनों कलर जब तक मैच नहीं लगेंगे तब तक ये नेचुरल एंड ब्यूटीफुल सा नहीं लगेगा। तो आप लोग देख सकते हो मेरे आईज़ के जो इनर कॉर्नर है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगा था, तो मैं उसको रिमूव कर रही थी। ओके, वैसे तो मुझे ये सब एडिट करना था, लेकिन मैंने जो भी वीडियोस थी आप लोग को बस दिखा रही हूँ। ओके, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं इसको मिला रही हूँ, बिकॉज अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाए और एक नेचुरल सा आई मेकअप लुक लगे। वैसे तो मैंने मेकअप काफ़ी हैवी किया आई में, बट मैं चाहती हूँ कि कुछ भी करूँ तो वो आपस में इतने अच्छे से ब्लेंडिंग हो, अच्छा लगे वो देखने में, बस आप लोग समझो। ओके, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा बिल्कुल आई मेकअप डन, करीब करीब डन हो चुका था, बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो मेरा रेड स्ट्रा कलर था उसको लेके मैं अपने जो भी क्रीज थी उसको फिर से मिक्स कर रही थी, बिकॉज अभी भी उस कलर के आईज मेकअप से एंड इसमें थोड़ी सी डिफरेंट कलर लग रहा था, तो वो उस रेड कलर को मैं अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग कर रही थी पिंक कलर के ऊपर, ताकि दोनों मेरा आई मेकअप सेम लगे। ओके, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, एंड अच्छे से ब्लेंड किया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो भी आई मेकअप है वो करीब डन हो चुका है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा। एंड उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे आईलाइनर ड्रॉ करूँगी, अभी मैं यहाँ पे अच्छे से मिला रही हूँ ताकि मिक्स एंड मैच लगे, बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि मैंने कोई भी कलर लाइक रखा हुआ अपने आईज़ पे, सब कुछ बिल्कुल मिक्स लगे और बिल्कुल ब्यूटीफुल लगे। ओके, आप लोग समझ सकते हो इस बात को। तो गाइज यहाँ पे मैंने इसी तरह से डन किया, कोई भी बिगनर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही अच्छे से कोशिश करती हूँ कोई भी मेकअप को मैं समझाने के लिए। ओके, एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँ बिगनर फ्रेंडली लिक्विड आईलाइनर, ओके, जो कि ब्लू हेवन का है, ऑफलाइन मिलेगा ऑनलाइन मिलेगा जैसा आप लेना चाहते हो, एंड अफोर्डेबल कैटेगरी का है। तो मैं एक विंग आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एंड काफ़ी ब्यूटीफुली ईजिली ड्रॉ हो गया था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में। बाकी तो आप लोग बताओगे आप लोग को कैसा लगा ये वाला मेकअप लुक।
मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि बहुत ही अच्छे अच्छे मेकअप लुक्स आप लोग के साथ शेयर करूँ, जैसे कि हर यूट्यूबर कोशिश करता है उसी तरह से मैं भी कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ कोई चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप लोग को मिल सके। एंड प्लीज़ कमेंट आउट कीजिएगा कि मेरा मेकअप कैसा लगा, किसी और तरह का मेकअप अगर आप देखना चाहते हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग के रिक्वेस्ट को पूरा करना। ओके, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने अच्छे तरीके से आईलाइनर ड्रॉ किया हुआ है, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, मुझे तो पसंद आया, बाकी आप लोग बताओगे। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिएगा, आपका एक एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हाँ मेरी वीडियो, हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है। ओके, तो इस तरह से मैंने आउटर कॉर्नर पर बिल्कुल एक अच्छा सा विंग निकाला हुआ है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद गाइज मैंने काजल लिया हुआ था, और काजल से जहाँ जहाँ भी मेरी वाइट वाइट स्किन दिख रही थी वहाँ पर मैंने अप्लाई किया हुआ था, बिकॉज़ मुझे बिल्कुल अच्छा सा एक आईलाइनर चाहिए था। आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा वाइट वाइट स्किन मेरी दिख रही थी, तो यहाँ पे मैंने काजल लगाया था जो कि लैक्मे का काजल है। यहाँ पे मैं अपनी मम्मी से पूछ रही थी कि सही लगा आईलाइनर, तो उन्होंने बोला कि हाँ सही लगा है, उनको इतना ही समझ में आता, उन्होंने बोला कि हाँ सही लगा है, तो मैंने बोला चलो सही है। फिर यहाँ पर मैंने लैक्मे का काजल पेंसिल लिया है, तो वहाँ पर मैं अपने आइज़ का जो अपर वाटर लाइन होता है गाइज़, वहाँ पर मैं अच्छे तरीके से लगा रही हूँ, जहाँ जहाँ भी वाइट वाइट स्किन दिख रही है। वैसे तो मुझे यहाँ पर लगाने में बिल्कुल नहीं बनता, मेरे आँख से पानी आ जाता है, बट मैं आराम आराम से धीरे धीरे बिल्कुल कर रही थी, ताकि बिल्कुल समझो आप लोग मेरे आँख से पानी भी ना आए एंड मेरी पलके भी ना टूटे, एंड इजीली अच्छे तरीके से मैं जो भी मेरी वाइट स्किन दिख रही है उसको मैं ब्लैक ब्लैक कर पाऊँ। ओके, तो इसी तरह से मैंने कर लिया, आप लोग देख सकते हो अब मेरी शायद वाइट स्किन नहीं दिख रही ऊपर जो मैंने आईलाइनर ड्रॉ किया है उसमें। ओके, तो आप लोग देख सकते हो मैंने आईलाइनर वर्क कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आती है गाइस मस्कारा की बारी, तो मस्कारा उतना अच्छा नहीं है, ब्लू हेवन का मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन आईलाइनर बहुत पसंद है। तो मैंने वानी की वीडियो देखी थी, उसकी वीडियो में ना उसने क्या किया था कि मस्कारा जो था उसका, तो उसका भी ब्लू हेवन ही उसने उस वीडियो में यूज़ किया था, तो उसने जो भी आईलाइनर यूज़ किया था वानी, तो उसने जो आईलाइनर में डिप करके जो हमारा मस्कारा अप्लाई करने वाला होता है एप्लीकेटर, उसके बाद उससे मस्कारा अप्लाई किया था, तो बहुत अच्छा सा मस्कारा का इफ़ेक्ट मिल रहा था। तो मैंने भी सेम उसी की टेक्निक अपनाई, और मैंने जो भी मेरा आईलाइनर था उसके अंदर मैंने अपना मस्कारा अप्लाई करने वाला डिप किया, एंड उसी से मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया। ओके, तो आप लोग देख सकते हो मेरा आई मेकअप डन हो चुका है। उसके बाद आती है गाइज ब्लश की बारी, तो ब्लश के लिए मैंने लिया था, हाँ, एडीएस के पैलेट से मैं एक कोरल सा कलर लिया था, और उसी को मैंने ब्लश यूज़ किया हुआ है, बिकॉज वो ब्लश ही था। तो मैंने ब्लश को अच्छे तरीके से अप्लाई किया, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, क्योंकि ब्लश मुझे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पसंद, नेचुरल पिंक चिक्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने कर लिया हुआ है, एंड होप मैं अच्छा कर रही हूँ, आप लोग को पसंद आ रहा हो, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियोस मेरी पसंद आए तो, एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हो। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अच्छे से मैंने जो भी मेरा ब्लश था उसको डन किया हुआ था, एंड यहाँ पर मेरा मेकअप करीब करीब डन होने को है, और मैंने अच्छे से कोशिश की है कि आप लोग को सब कुछ बता पाऊँ, कुछ रह गया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। उसके बाद गाइज मैं हाईलाइट करूँ, मैं अपने हर वीडियो में बोली मुझे हाईलाइटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ना मैंने कॉन्टोरिंग नहीं की है, बिकॉज मुझे मेरी स्किन ऑलरेडी नॉर्मल है, मेरा फेस, जिनका फेस हैवी है थोड़ा भरा भरा है वो कॉन्टोरिंग ज़रूर करें, बिकॉज कॉन्टोरिंग से फेस पतला लगता है तो अच्छा लगता है देखने में। ओके, मेरा फेस ऑलरेडी नॉर्मल है तो मैंने कॉन्टोरिंग नहीं की, और मुझे ज़रूरत फील नहीं हुई, वैसे कोई हैवी मेकअप मैंने इतना भी नहीं किया कि मुझे कॉन्टोरिंग की ज़रूरत हो, अगर मैं हैवी मेकअप करती तो ज़रूर कॉन्टोरिंग करती। मैंने हाईलाइटिंग कर ली है अपने नोज़ की, चिक बोन की, ब्राउ बोन की, एंड आइज़ के इनर कॉर्नर की। उसके बाद मैंने अपने लिप पे लगाया था वैसलीन, उसको मैं एक गीले कॉटन के कपड़े से रिमूव की। उसके बाद मैंने एक लोकल मार्केट का लिपस्टिक अप्लाई किया था, और होप मेरा मेकअप यही है डन, आप लोग को प्लीज़ पसंद आया।